हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। सब्सक्राइब चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। टुडे गाइस, वी विल मेक अ मास्क फॉर हेयर्स। फॉर दिस यू नीड 1 egg, 1 organic egg। गाइज़, मैंने जो है वो देसी अंडा लिया है, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसकी सफ़ेदी और सर्दी दोनों को यूज़ करूँगी, ठीक है। एग योक भी और एग वाइट, 1 whole egg। अदर देन दिस यू नीड 1 lemon। ये भी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इससे बालों में शाइन आती है, डैंड्रफ को रिमूव करता है। एलोवेरा, वी यूज एलोवेरा आल्सो। लुक एट दिस, एलोवेरा भी जो है वो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। हम इतना जो है एलोवेरा वो यूज़ करेंगे अपने मास्क के अंदर। कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल से बालों में वॉल्यूम आता है, ये डैंड्रफ को रिमूव करता है, बालों का टेक्सचर इससे बहुत अच्छा हो जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है। जिनके बालों में ऑयल आ जाता है उनको भी कैस्टर ऑयल यूज़ करना चाहिए। आप कैस्टर ऑयल को किसी भी ऑयल के साथ मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ऑलिव ऑयल के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, इसको एलमंड ऑयल के साथ मिक्स करके यूज़ करें, इसको जो है मस्टर्ड ऑयल के साथ मिक्स करके यूज़ करें, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। योगर्ट, वी यूज़ 4 tablespoons ऑफ योगर्ट। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर योर हेयर्स। लेट्स स्टार्ट। टेक 1 whole egg। इस तरह से किसी भी बॉल के अंदर आप एक अंडा ले लें। फोर टेबल स्पून योगर्ट, लेमन जूस,
एलोवेरा। एलोवेरा जो है उसको हम साइड से कट करेंगे। साइड उसकी कट करने के बाद जो है वो उसके ऊपर का भी जो छिलका है वो उतार देंगे और इसके अंदर जो जेल है वो उसको यूज़ करेंगे। मैंने इस जेल को निकाल लिया है। देखें, जब भी आप प्लांट जो है एलोवेरा का उसको यूज़ करें तो तोड़ने के बाद उसे एक घंटे तक रहने दें ताकि जो उसका जो येलो पार्ट है जो उसमें से निकल रहा होता है वो जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो जो है वो स्किन के लिए बालों के लिए अच्छा नहीं होता। कैस्टर ऑयल 2 टेबलस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल। ये हमने डाल दिया कैस्टर ऑयल। मिक्स ऑल इंग्रेडिएंट्स वेल। आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अप्लाई दिस मिक्सचर ऑन योर हेयर्स स्कैल्प रूट्स। आप इस मिक्सचर को अपने बालों की जड़ों में और नीचे अच्छी तरह से अप्लाई करें। बालों के 2 सेक्शंस कर लें और फिर उसके बाद जो है वो रूट से लेके और नीचे टिप्स तक अच्छी तरह से पूरे सर में इसको इम्प्लीमेंट कर दें। अप्लाई दिस मास्क फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर। 1 घंटे तक आप इस मिक्सचर को अपने बालों के अंदर लगा रहने दें। उसके बाद शैम्पू कर लें। बालों में कंडीशनर लास्ट में इस्तेमाल किया करें क्योंकि उससे जो है वो बालों का मॉइस्चर है वो लॉक हो जाता है और कंडीशनर बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। कंडीशनर जो है वो उसको बालों की टिप्स पे सिर्फ अप्लाई किया करें, रूट्स पे अप्लाई हरगिज़ मत करें। गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। दिस इज़ योर मास्क। योर मास्क इज़ रेडी। मस्ट ट्राई इट। एक बहुत ही अच्छी बात जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को देखा कि नमाज़ असर का वक्त आ गया है, लोग पानी तलाश कर रहे हैं। जब इन्हें पानी ना मिला तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के पास एक बर्तन में वुज़ू के लिए पानी लाया गया। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इसमें अपना हाथ डाला और लोगों को हुक्म दिया कि इस बर्तन से वुज़ू करें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा कि आपकी उंगलियों के नीचे से पानी के चश्मे उबल रहे हैं, यहाँ तक कि काफ़िले के हर आखिरी आदमी ने भी वुज़ू कर लिया। सुभान अल्लाह।
सूरत अल-अनआम की आयत 103। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तुद्रिकुहुल अबसारु वहुवा युद्रिकुल अबसार वहुल वल्लतीफुल खबीर। तर्जुमा तंजुल ईमान। निगाहें उसको नहीं पा सकतीं और वह तमाम निगाहों को पा लेता है। उस ज़ात की इतनी ही लतीफ़ है, उसकी ज़ात इतनी ही लतीफ़ है और वो इतना ही बाखबर है। देखा आपने, ये कुरान पाक की कितनी ही खूबसूरत आयत है जिसमें अल्लाह ताला के बारे में बताया गया है कि वो कितना ज़्यादा बाखबर है और वो कितना जानने वाला है। अब दुआ करते हैं। ऐ रब्बे कायनात, ऐ बेताब नफ्स और कमज़ोर जिस्म पर रहम करने वाले, इस बेताब नफ्स और कमज़ोर जिस्म पर रहम फरमा, इसलिए कि ये तेरे सूरज की तपश को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तेरी जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा? वो तेरे बादल की गरज से कांप उठता है। वो तेरे गज़ब की आवाज़ को कैसे सुन सकता है? जिसे तेरी रहमत और तेरे प्यार की आदत है, वो तेरी नाराज़गी का सामना कैसे करेगा? या इलाही, हमारे हाल पर रहम फरमा और करम फरमा। और हम सब पर करम फरमा और हम सब को माफ़ फरमा और हम सब से राज़ी हो जा। आमीन। अभी जो है वो मैं इस मास्क को थोड़ा और अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको इम्प्लीमेंट करूँगी। बाय।